ऐसे गाड़ी जाने का भी रास्ता हम केदारनाथ जा रहे हैं खुद जीत गए स्ट्रगल करते हुए हम दोनों रियल बहने लगते चांगो के तो कुत्ते भी इतने हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब होप आप सभी अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं उधर उस गोम्पा में जा रहे हैं पता नहीं क्यों जा रहे हैं बस हमारा अचानक से प्लान बन गया तो हम लोग उधर जा रहे हैं तो आपको दिखाते रहेंगे। और मेरे साथ है मेरी बहन और दो लड़कियाँ वो आगे आगे चली रही। आजकल वैसे भी खेतों में काम तो है नहीं तो ऐसे ही घर में बैठ के बोर हो जाते। आज हमारा अचानक से प्लान बन गया गोम्पा जाने का। कुछ नहीं है वहाँ पे रखा हुआ कुछ नहीं पता नहीं खुला भी होगा बंद होगा पर वहाँ से हमारा गाँव का हाँ वहाँ से हमारा गांव पूरा दिखता है तो हम आपको दिखाएंगे हमारा पूरा गांव तो बने रहेंगे। तो अभी हवा भी बहुत तेज़ हो गई यहाँ देखिए गाइज यहाँ मतलब ये हमारा नदी है जो पूरा जम चुका है यहाँ पे। आज दीदी का भी जो विश है पूरा हो गया ये जिद कर रही थी बड़ा एक खुद जिद कर रहा आज मुंह बना के बैठा हुआ अब मैं बताती हूँ आपको आज हमने बोला कि आप हमारा मन नहीं कर रहे जाने का क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा था ऐसे बोला मैंने ये मुंह बना के बैठ गई गुस्सा हो गया नाराज हो गया मतलब। हाँ तो पहले कल अचानक से प्लान बन गया आना पड़ा पहुंच गए हम लोग और यहाँ से मतलब आधा चांगो दिखता है पर ऊपर से बहुत अच्छा दिखता है। तो आप लोग ऊपर पुराने जमाने में बोलते थे जब धूप छुप जाती है तो वैसे यहाँ से दो रास्ता है यहाँ से शॉर्ट रास्ता है और यहाँ से बाई रोड रास्ता है यहाँ से लंबा पड़ेगा हमको। हम यहाँ से जाएंगे जो है गाइज हम गोम्पा तो पहुंच गए बट यहाँ के जो गेलोंग हैं वो शायद गांव गए हुए थे क्योंकि वहाँ पे शायद पूजा पाठ के लिए गांव गए थे और जो मेन मंदिर है वो भी बंद था। तो फिर हम यहाँ पे थुंग्यूर के थोड़ी देर चक्कर लगाए फिर उसके बाद वहीं बैठ गए थोड़ी देर जब तक हवा शांत हुई क्योंकि बाहर तो बहुत तेज़ हवा चली हुई थी तो हम लोग थोड़ी देर यहीं पर बैठे। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे थुंग्यूर में बैठ के थोड़ा सा चिल कर रहे हैं मतलब थोड़ा सा हमने जंक फूड लाया था खाने के लिए तो हम लोग खा रहे हैं थोड़ी देर रुकेंगे उसके बाद जाएंगे। देखिए पीछे गांव के पीछे साइड में ऐसे है इस रोड से जाता है स्पीति को तो यहाँ पे मतलब कुछ लोग रहते हैं जो सामने बैठे होते हैं जो कुछ आने लोग शायद पागल हो गए।
पीछे देख रहे हैं आप लोग घूम पाएंगे और अब हम जाने वाले हैं वापस। चुतल कान। हमारे यहाँ पे ये जियो टावर है और ये एयरटेल टावर है, दोनों साथ साथ में है। जियो टावर एयरटेल टावर, जांगो में किसी चीज की कमी नहीं है। कम नहीं है हमारे जांगो क्यों नहीं है, शहर से जूर जूर हो जाए। असलियत किसने बता बोला, किसने बता बोला असलियत? इसको पढ़ रहा है, हमारी हालत देख रहे हैं आप। सीधा मिलते हैं वहाँ, नीचे पहुँच गए। तो फाइनली हम नीचे पहुँच चुके गाइस, अभी हम यहाँ इस रास्ते से जा रहे। तो गाइस हम इस रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ हमारा खड़ है। ये देखिए गाइस, ये क्या कर रही है? उठ भाई, ठंड लग जाएगा तेरे को। तो यहाँ पे नाको लेक जैसा तो नहीं है, पर चांगो में भी छोटा सा स्केटिंग का वो है। तो यहाँ पे आप लोग आर्ट स्केट्स खेल सकते हैं मेरी तरह। गलत स्वयं में रहने की आदत, देखिए स्ट्रगल करते हुए हो, स्ट्रगल करते हुए हो, स्ट्रगल करते हुए हो। ये देखिए गाइस, पूरा नाखून एक हमारे गांव में। बर्फ ही बर्फ। तो हम लोग यहाँ पूरा एंजॉय कर रहे हैं, नाखून एक जाने की जरूरत नहीं है। चांगो वासियों को यहाँ पे आ सकते हैं हमारे साथ। तो अभी मैं जा ही रही हूँ। आज डू यहाँ पे बस 10 रुपए लगेंगे एक घंटे का। हम लोग जा रहे वापस। ये देखिए हमारा बैग बेचारा यहाँ रह गया। पिछले साल आया था। पिछले साल यहाँ पे बाढ़ आया था, जिसके कारण हमारे जो ये खड़ का जो पुल है वो पूरा टूट गया था। ये वाला पुल ये पूरा टूट चुका है, देखिए पूरा यहाँ से पानी आया और वहाँ पे सारे पत्थर को बहा के ले गया, और वो जो टॉयलेट है उसका भी मतलब नीचे से पूरा ले गया, और ये जो हमारा पुल है वो भी टूट गया है। तो हम इसी से जाएंगे, अभी चढ़ने लायक तो है। अब वो डरपोक रह गई। हमारे चांगो में इंसान से ज्यादा तो आजकल कुत्ते दिखते हैं सड़कों पे। खेतों में नहीं, सड़कों पे भी। वो चिकन शॉप के पास भी तो पूरा कुत्ते का ढेर लगा हुआ होता है, और नए कुत्ते पैदा हुए हैं। भगवान कुत्तों से प्यार करे कि नफरत करे समझ नहीं आते। वो आपकी इच्छा है, आप प्यार करो या नफरत। नीचे पहुंच गए, देखिए वहाँ ऊपर से हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं। हम लोग वहाँ ऊपर गए थे, अभी हम लोग थकते थकाते हुए नीचे पहुंच गए। कुत्ते
हम दोनों रियल पहने लगते कि नहीं लगते, प्लीज कमेंट कीजिए। अरे ये जो कजन है उसका पुराना घर है, ये अभी नया घर बन गया है। ये पूरा सेल्फिश, एक नंबर की सेल्फिश है ये। अभी हम कुत्तों को देखने जाएंगे, उसके बाद फिर घर वापस जाएंगे। अब शाम हो गई है। ये है चांगो की गलियां, चांगो की गलियां। ये अंकल है। तो बने रहिए, अभी थोड़ी देर में कुत्ते दिखाने वाले हम आपको। तो कुत्तों का रास्ता ये वाला है। सुनो ये सुनो ये हो गया। हम कुत्तों को देखने आए और यहाँ पे कुत्ते ही नहीं है। तो उन्होंने कुत्तों को शिफ्ट कर दिया दूसरे घर में, तो हम उधर। तो यहाँ पे इतना बड़ा गाड़ी खड़ा कर दिया, हमको निकलने का रास्ता नहीं है यहाँ से। तो तूने पतली से रास्ते पे हमको निकला। हेलो उस छोटे लड़की का सर बच, लड़के का सर बच गया है। इधर है, अच्छा अच्छा इधर है कुत्तों की माँ। और कुत्ते देखिए, ये देखिए, हाँ देखो तो तो अभी क्या 11 हुए, तो अंदर चलते, चलो बाहर तो धूप नहीं है। वैसे धूप नहीं छुपी होगी अभी तक, तो है अंदर चलते हैं। 12:30 तो हमने चाउमीन के लिए सब्जी काट दी है, और पापा वहाँ पे थुप्पा से कर रहे हैं, और यहाँ दीदी थुप्पा को देख रही, और वो हमारी डोनबो है। तो गाइस हमारा डिनर रेडी हो चुका है, अब हम जल्दी से खा लेते हैं। क्या करना है, हाँ?